NTAUGCNET यानी इमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट पे। दोस्तों ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की फोर्थ क्लास है और इसमें हम जानेंगे मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। और इसमें मुख्य रूप से लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड, इनके बारे में जानेंगे। इनसे रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। और इस क्लास में दोस्तों सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम थ्योरी करते हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें दोस्तों हमारा मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर सेंटर्ड टीचिंग की बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, समूह शिक्षण, समीक्षा विधि और प्रश्नोत्तरी विधि है। सबसे पहले देखते हैं जैसे व्याख्यान विधि है और इसको हम लेक्चर मेथड भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि लेक्चर मेथड से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है लेक्चर मेथड, इसके अंदर क्या होता है, ज्ञानात्मक व भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्याख्यान विधि प्रयुक्त की जाती है। इसमें क्या करता है टीचर, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है, अगर बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं या कुछ चीज़ें सिखानी है तो उसके लिए वो व्याख्या करता है, उसका लेक्चर देता है, वहाँ पे उसको डिटेल में चीज़ों को लेक्चर के जरिए समझाने का प्रयास करता है। आदर्शवाद द्वारा प्रतिपाद की गई है, ये जो है जेम्स एम ली के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, व्याख्यान एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी विशिष्ट प्रकरण अथवा समस्या पर सावधानी पूर्वक योजना अनुसार तैयार किया गया विवरण भाषण औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है। यानी कि जो भी उसे चीज़ बतानी है, सिखानी है, उसके ऊपर पहले क्या है कि वो एक भाषण के रूप में एक प्रेजेंटेशन तैयार करे, भाषण के रूप में वो चीज़ें तैयार करेगा और उसका विवरण देगा बच्चों के सामने, उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताएगा। इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, आसानी से आराम से उसको ऐसे बैठ के सुनते हैं और जो टीचर है, टीचर उनको लेक्चर के जरिए चीज़ें बताएंगे, उसको विवरण देंगे सारी चीज़ों का। और इसमें क्या व्याख्यान विधि की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति, इसके अंदर प्रभुत्व किसका होता है, टीचर का होता है, टीचर ही इसके अंदर लगभग चीज़ें करते हैं। संप्रेषण शिक्षण नीति, और इसमें क्या है जैसे व्याख्यान कथन एवं विवरण भी हो सकते हैं, बाद में इसमें हम कर सकते हैं, जैसे व्याख्यान दे सकते हैं, कथन कह सकते हैं किसी का और विवरण दे सकते हैं। प्रस्तुतिकरण पर जोर, इसमें प्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा टीचर करता भी, मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाऊँ। तकनीकों एवं सहायक संसाधनों का प्रयोग, इसमें हो सकता है कई बार टीचर प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहा हो, किसी डायग्राम का यूज़ कर रहा हो उसके लिए। और इसमें और जो चीज़ें जैसे शिक्षण सिद्धांत क्या है, इसके लिए
बोले गए शब्दों की प्रभावशीलता, जो टीचर पढ़ा रहा है लेक्चर दे रहा है उसमें प्रभावशीलता होनी चाहिए, जो वो लेक्चर दे रहा है उसके अंदर उद्देश्यों की प्राप्ति, जो लेक्चर दे रहा है उससे ऐसे नहीं है कि जो मेन टॉपिक हम सिखा रहे हैं वो तो पीछे छूट गया और बाकी की जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हम बता रहे हैं। कई बार आपने टीचर ने देखा होगा, आपने टीचर को जो जो चीज़ बतानी होती है वो चीज़ तो कम बताते हैं, फालतू की चीज़ें बहुत गाते रहते हैं वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत संपर्क, इसमें ये है कि व्यक्तिगत संपर्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसी के साथ हम ज़्यादा इसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकते। पूर्व ज्ञान तथा समन्वय, और इसमें क्या है कि अगर हमें पूर्व ज्ञान होगा किसी भी चीज़ के बारे में तो हम बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ें। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण होना चाहिए, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो टीचर है वो खुद ही कन्फ्यूज चल रहा है तो वो बच्चों को क्या समझा पाएगा। और उसके देखिए ये सारी चीज़ें आप देख लेना, कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ये आप देख लेना। विद्यार्थी केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित ये नहीं होता, ये शिक्षण केंद्रित होता है। और इसमें व्याख्यान विधि के दोष और सीमाएं क्या क्या है, अधिगम का प्राकृतिक साधन नहीं है ये, केवल लेक्चर देने से हम अधिगम नहीं कर सकते, लर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है लेक्चर जो है वो काफ़ी बोरिंग लगने लगता है। जब तक हम एक्टिविटी ना करें, बच्चों के साथ इंटरेक्शन ना करेंगे, तब तक वो इंटरेस्टिंग क्लास नहीं बनेगी। शिक्षण केंद्रित, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये क्या है कि शिक्षक की केंद्रित होती है, इसमें मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षण का अधिक बोझ, इसमें क्या है कि बच्चों को एक बर्डन लगने लगता है, भाई यार ये क्या है, ये तो बोरिंग बोरिंग करने वाली चीज़ें हैं। और इसमें अकुशल शिक्षक भी हो सकते हैं। अब देखिए अकुशल शिक्षक कैसे हो सकते हैं, जैसे कोई लेक्चर बताना है, कोई लेक्चर देना है, कोई लेक्चर देने के लिए तो हो सकता है टीचर वहाँ पे लिख के लेके आया हो, पेज पे लिख के लेके आया और वही चीज़ें वो पढ़ पढ़ के बोल रहा हो सकता है रियली में उसको उसकी नॉलेज ना हो, तो ये इसकी कुछ कमी है दोस्तों। और उसके बाद में हम जैसे बात करें लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, एक ऐसी विधि भी है जिसमें हम लेक्चर भी देते हैं और प्लस डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। जैसे हमने एक पैराग्राफ पढ़ा या एक पेज पढ़ा, उसके बाद उसके बारे में बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, कुछ डेमो भी दिखाते हैं उसके अंदर, डेमो करके दिखाते हैं भाई ये देखो ये चीज़ ऐसे होगी। जैसे साइंस में पढ़ा है ना हमने, साइंस में जब 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो टीचर क्या करता था, एक पेज पढ़ाता था, उसके बाद क्या करता था एक बच्चे को खड़ा करता था और उसके बारे में वो चीज़ें फिर बताता था, एक्सप्लेन करता था, डेमो करके दिखाता था। और कई बार हमसे कहते थे भी टीचर भाई चलो अब ना वो वहाँ से वो चीज़ लेके आओ, वो अलग अलग चीज़ें मंगवाते थे, टेबल पे रखते थे, फिर हमें समझाते थे। तो इसमें लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों चीज़ें होती हैं। और इसकी विशेषताएं क्या है, छोटी कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है ये, अगर बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं तो जो लास्ट में बच्चे बैठे उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। शिक्षण में कम समय लगता है क्योंकि चीज़ों को जल्दी हम समझ पाते हैं, स्वयं देखकर सीख सकते हैं इसके अंदर। दृष्टि एवं श्रव्य केंद्रियाँ जो है अधिक सक्रिय रहती है, श्रव्य इंद्रियाँ जो हमारे आई है, नाक है, कान है, जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा सक्रिय रहती है। कोई चीज़ हमें दिखाई जाएगी तो हमारी आंखें एकदम खुली रहेगी और हम सोएंगे नहीं, लेकिन अगर लेक्चर चल रहा है ओनली तो उसमें हम सो सकते हैं, लेकिन डेमो में हम सोएंगे नहीं जी। ये क्या है, शिक्षण प्रभावशाली होता है इसके अंदर, अगर हमें डेमो दिखाया जाएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें होंगी हमारे लिए। सीमाएं और दोष इसकी क्या हो सकती है, विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने के अवसर नहीं मिलता इसमें। कई बार क्या होता है कि टीचर केवल खुद ही कर रहा है और बच्चे चाहते हैं कि हम भी इसको करके देखें, तो उसमें उनको मौका नहीं मिल पाता। ठीक प्रकार से प्रयोगों का निरीक्षण नहीं करना, कई बार क्या है कि बच्चे जैसे क्राउड होगी काफ़ी तो बच्चे उसको सही तरीके से देख नहीं पाते काफ़ी क्राउड के अंदर। और शिक्षक द्वारा प्रयोग सफल नहीं होना, कई बार क्या है कि टीचर क्या है कि उसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे, वो प्रयोग करके दिखा रहे, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ तो उससे हो सकता है कि हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाए, तो कई इसके अंदर मतलब कमियां भी हो सकती हैं। फिर हम बात करें समूह शिक्षण की, बात करें टीम टीचिंग के अंदर, समूह शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही समय में बच्चों को ज्ञान देते हैं। इसमें हो सकता है एक शिक्षक सिद्धांतों
के द्वारा चीज़ें बता रहा हो, और दूसरा हो सकता है व्यवहारिक रूप से उसे समझा रहा हो। इस दौरान विचार गोष्ठी, परिसंवाद या पैनल चर्चा भी हो सकती है। टीम टीचिंग के अंदर क्या है, दो या दो से अधिक टीचर हो सकते हैं वहाँ पर और वो बता रहे हो, तो इसके अंदर जैसे वो होता है ना आजकल ऑनलाइन क्लासेस के अंदर होता है, कई टीचर मिलके पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये चीज़ इसमें हो सकती है। और समूह शिक्षण के क्या लाभ है, इस विधि में बच्चों द्वारा सबसे अधिक विषय को साझा किया जाता है। इसमें काफ़ी तरह के उपकरण और शिक्षण तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। अब दो टीचर है, हो सकता है एक टीचर को किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज हो, दूसरे टीचर को किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज हो, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गैदर कर सकते हैं। समूह शिक्षण की हानियाँ क्या है, इसमें अधिक शिक्षक की आवश्यकता होती है, ये तो सीधी सी बात है, ज़्यादा शिक्षक जरूरी है। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने में उपयोगी नहीं है, इस विधि से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सभी सब्जेक्ट पढ़ा सके। इस विधि में विशेष ज्ञान वाले शिक्षकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर ज्ञान अच्छा नहीं है एक टीचर को तो दूसरे के साथ वो कोलैबोरेट अच्छे से नहीं कर पाएगा और दोनों का क्या है संबंध सही से स्थापित नहीं हो पाएगा। और इस विधि में योजना निर्माण और निर्धारण में काफ़ी समय लग जाता है, हमें योजना बनानी पड़ती है ना, पहले कौन सा टीचर पढ़ाएगा, फिर कौन सा पढ़ाएगा, कौन सा डेमो दिखाएगा, कौन लेक्चर बोलेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, तो इसमें काफ़ी समय चला जाता है। उसके बाद हम बात करें माइक्रो टीचिंग की, बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि है। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक लाभान्वित करने का तरीका है। इसमें अध्ययन की एक इकाई और एक कौशल का प्रयोग कर अल्प अवधि तक बच्चों को एक छोटे छोटे समूह को पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि माइक्रो टीचिंग, माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पे चीज़ों को सिखाना, प्रयोगात्मक विधि भी हो सकती है इसमें। जैसे मान के चलिए चार बच्चों को ले लिया हमने, हम छोटे लेवल पे हम उनको सिखा रहे हैं और एक समय में हो सकता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं, तो जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा बोर नहीं होंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उसको करेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। इसके उद्देश्य क्या है, एक टीचर प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाता है। एक टीचर प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाता है, धीरे धीरे चीज़ें सिखाएगा तो वो कई चीज़ें सीख जाएगा, तो ये चीज़ें हैं। शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य हो सकता है। फिर है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग साइकिल। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन आएगा। माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है वो क्या हो सकता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें लेसन प्लानिंग करेंगे, यानी कि हम देखेंगे भी कल बच्चों को क्या पढ़ाना है उसके अंदर, फिर क्या है कि प्लानिंग करने के बाद उसकी टीचिंग करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे वो चीज़, उसके बाद में हम प्रतिपुष्टि लेंगे, फीडबैक लेंगे बच्चों से, हाँ जी बच्चों आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे बता सकते हैं, आपको रियली में कोई प्रॉब्लम है ना पढ़ाते हुए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। पुनः पाठ योजना, अगर हमें प्रॉब्लम लगती है तो हम क्या है कि दोबारा से उस लेक्चर को कंडक्ट करते हैं और उनके जो भी डाउट है वो क्लियर करते हैं। फिर रीटीचिंग करते हैं और रीफीडबैक, यानी कि ये चीज़ें दोबारा से फिर सर्कल में चलती रहती है, तो ये चीज़ इसमें होती हैं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या है, इसके अंदर इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या 5 से लेकर 10 के बीच हो सकती है। शिक्षण अवधि 5 से लेकर 10 मिनट तक हो सकती है, जैसे बताया ना शुरू में छोटी छोटी चीज़ें हमें इसमें सिखाई जाती है और छोटे छोटे ग्रुप्स इसमें हो सकते हैं। वास्तविक छात्रों की जगह अधिकांश सहपाठी की छात्र सॉरी सहपाठी ही छात्र की भूमिका अभिनीत करते हैं। ये क्या करते हैं कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे का सहपाठी, मतलब एक दूसरे का दोस्त बन के चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। विषय वस्तु एक सूक्ष्म इकाई होता है, इसमें छोटे विषय वस्तु जो है, जो भी हमें चीज़ें सिखानी है वो छोटे लेवल पर होती है, हम बड़ी चीज़ें लेके नहीं चलते। यह पुनः सुधार का अवसर उपलब्ध होती है, अगर इसमें मान के चलिए कोई गलती होगी तो हम उसको उसी समय सुधार सकते हैं। यह छात्र अध्यापक केंद्रित होती है, इसमें छात्र और अध्यापक दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये चीज़ें दोस्तों इसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो और चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर है समीक्षा विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण, व्याख्यान विधि, इन सभी अवलोकन करने को समीक्षा विधि कहते हैं। समीक्षा, समीक्षा क्या होता है, उसका अवलोकन करना,
जैसे मान के चलिए हमने कोई चीज़ पढ़ाई है और उस मान ले आज हमने कोई चैप्टर पढ़ाया है, अगले दिन क्या करें? फिर हम करेंगे भाई आओ भाई बच्चों कल जो चैप्टर पढ़ाया है उसके बारे में हम बात करते हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर एक बच्चे को खड़ा करते पूछते हैं, हाँ भाई कल जो हमने नेचर के बारे में बात बताई थी वो तेरे को कितना समझ में आई या कितना समझ में नहीं आई? अच्छा उसमें नेचर में ये चीज़ होती है तो इसके बारे में बताओ, यानी कि समीक्षा करते हैं इसके अंदर हमने जो भी पढ़ाया है। फिर है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि, इस विधि को सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है, प्रश्न निर्माण, सबसे पहले प्रश्न निर्माण करते हैं, उसके बाद ये प्रस्तुतिकरण करते हैं, बच्चों द्वारा ही नवीन ज्ञान देना। अब पहले देखते हुए क्या प्रश्न पूछने बच्चों से वो डिसाइड करेंगे, अगले दिन वो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उसका जो आंसर है फिर बच्चे ही उसका आंसर देंगे। इसके उद्देश्य क्या है? पूर्व ज्ञान को जांचना कि बच्चों में पहले से ज्ञान कितना है। जैसे मान के चलिए हम उसके बारे में बता रहे हैं, ग्रेविटी के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, तो पहले लेसन शुरू करने से पहले ही किसी बच्चे को खड़ा कर लेंगे, हाँ भाई बता ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, वो बताएगा जी ग्रेविटी जैसे जहाज उड़ती है, ये है वो है। और हो सकता है कई बार क्लास में बच्चे कह दे जी सर नहीं पता हमें, तो प्रश्न पूछने का मतलब हमारा ये हो सकता है कि हम ये देख सकते हैं कि बच्चों में पहले कितनी नॉलेज है और हमें कितनी नॉलेज देने की आवश्यकता है उनको। कठिनाई जानना, बच्चों में कितनी कठिनाई आ रही है, वो कितना बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे, ज्ञान का प्रयोग, उनके पास जो ज्ञान है वो किसका कितना उपयोग कर रहे हैं। और आत्मविश्वास में वृद्धि करना, जैसे जैसे हम प्रश्न पूछते तो बच्चों में आत्मविश्वास डेवलप होता है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर जितना ज़्यादा बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे वो उतना ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे, आत्मविश्वास उनमें उत्पन्न होगा जी। तो ये चीज़ें इसमें आगे हमारा फिर ग्रुप डिस्कशन मैथड। ग्रुप डिस्कशन मैथड ये देखिए, विचार विमर्श का अर्थ है अध्ययन अधीन प्रकरण अथवा समस्या में निहित सही संबंधों पर पूर्णता से विचार करना। इसमें संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, उनकी तुलना तथा उनका मूल्यांकन किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि एक हम कोई समस्या होती है और उस समस्या पे हम बच्चों को बोलते हैं भाई इस पर आप इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं बच्चों को, भी ये प्रोजेक्ट बनाइए, और कोई समस्या दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया भाई 40 लोग एक काम को 10 दिन में करते हैं और 10 व्यक्ति जो है एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो इस तरीके से कुछ मतलब ऐसी समस्या दे दें और हम चार बच्चों को कह दें भाई इसका सॉल्यूशन करके दिखाओ। ठीक है, और इसके टाइप क्या हो सकते हैं? ग्रुप डिस्कशन के डिबेट हो सकती है, बहस, दो पक्षों के बीच एक वैचारिक चर्चा हो सकती है, जैसे हम राजनीति पे चर्चा करवा सकते हैं उन पे, और कुछ भी हो सकता है। सिंपोजियम, एक संगोष्ठी, एक बैठक या सम्मेलन जहां विशेषज्ञ किसी विशिष्ट विषय पर अपने विचार और शोध पर चर्चा करने और प्रस्तुत करने की एकत्रित होते हैं। अब ये सिंपोजियम भी इसमें यही होता है, इसमें कोई विशेष कोई मान के चलिए कोई प्रतियोगिता होने वाली है तो उसके लिए सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया हमने और वहाँ पे उनसे पूछे, हाँ जी बताओ जो साइंस की प्रतियोगिता है उसमें हमें कौन सा मॉडल लेके जाना चाहिए। हम बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चे अलग अलग बच्चे अलग अलग मॉडल बताएंगे। पैनल डिस्कशन हो सकता है, एक पैनल चर्चा विशेषताओं के एक समूह के बीच बातचीत है जो दर्शकों के सामने किसी विशेष विषय पर चर्चा करने और अपनी राय अंतर्दृष्ट करने के लिए होती है। पैनल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन का मतलब ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक ग्रुप बना देते हैं, जैसे ये तीन बच्चे मैथ के हैं, ये तीन बच्चे उसके साइंस के हैं, ये तीन बच्चे इंग्लिश के हैं और ये तीन बच्चे हिंदी सब्जेक्ट के हैं, तो वो हमने अलग अलग पैनल बना दिया, उनसे फिर उनके अकॉर्डिंग राय लेते हैं। आगे हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी और आगे भी आएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है? विचार मंथन एक रचनात्मक समस्या समाधान तकनीक है जहां एक समूह बिना निर्णय के अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करके किसी विशिष्ट समस्या के लिए विचार और समाधान उत्पन्न करता है। अब बच्चों के सामने ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, बच्चों को एक मतलब समस्या दे दी जाती है और उस समस्या का समाधान बच्चों से ही निकलवाने का प्रयास किया जाता है। तो इसके अंदर बच्चे क्या है कि एक ग्रुप के अंदर ग्रुप बना के वो एक उसका समाधान सामूहिक रूप से देते हैं, तो इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। और इसके क्या है मेरिट ऑफ ग्रुप डिस्कशन, क्या हो सकते हैं? स्पष्टीकरण हो सकता है, जब चार बच्चे मिलकर बातचीत करेंगे तो हमें
क्लियर कट जवाब मिलेगा किसी भी चीज़ के बारे में। चिंतन का विकास, ग्रुप डिस्कशन में हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, चिंतन का विकास होगा, अज्ञात की खोज होगी, जो चीज़ बच्चे नहीं जान रहे उसके बारे में जानने लगेंगे, ज्ञात एवं चिंतन का विकास होगा और उसमें सहनशीलता का विकास होगा। इसके अंदर सभी सत्रों के लिए उपयोगी है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान हो पाएगी, हमें पता चलेगा भाई कौन से बच्चे ने जल्दी आंसर देने का प्रयास किया, कौन से ग्रुप ने अच्छा कार्य किया है, तो ये चीज़ें इसके अंदर कुछ हो सकती है। इसकी दो एवं सीमाएँ क्या हो सकती है, सभी इकाइयों के लिए अनुकूल नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए सभी के लिए सही हुए कोई ज़रूरी नहीं है। भटकने के अवसर, अब देखिए ग्रुप डिस्कशन करेंगे हम उसमें तो हो सकता है डिबेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए और चार दोस्त चार बच्चे वो चारों सहमत ना हो एक निर्णय के ऊपर तो वो भटक भी सकते हैं। एकाधिकार, अब एकाधिकार में बच्चा चाहेगा भी जो दूसरे बच्चे वो मेरे अकॉर्डिंग चले, दूसरा बच्चा चाहेगा कि ये मेरे अकॉर्डिंग चले, तो वो एकाधिकार करने की भी कोशिश करते हैं। गुटबंदी भी हो सकती है ना, मतलब 10 का ग्रुप है उसमें चार बच्चे एक तरफ हो जाए, चार बच्चे एक तरफ हो जाए, ऐसे गुटबंदी भी हो सकती है, तो काफ़ी तरह की दिक्कतें इसमें हो सकती हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा है और यहाँ पे दोबारा फिर आ गया, इसके बारे में एस बोर्न ने 1963 में बताया था जी, तो ये चीज़ हम ऊपर कर चुके हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अगर वो देखना चाहे तो आप देख सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेज देख सकते हैं, हालांकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। समस्या का नियोजन करना, उप समस्या का चुनाव करना, समस्या के संबंध में योजना बनाना, सोचना, ये थोड़ा गलत लिखा है, साधनों का चयन करना, ये देखना चाहे तो आप देख सकते हैं इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं। सिंपली ये पूछा जाता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। और लाभ क्या होते हैं, ध्यान उत्तेजित करना, अभिरुचि का विकास करना, कल्पना का विकास करना, ये सारी सारी चीज़ें लगभग एक जैसी है इनमें, ठीक है। फिर है इंडिविजुअल टीचिंग मेथड। इंडिविजुअल टीचिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि बच्चा अपने आप चीज़ें सीखने का प्रयास करता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था आपको दूसरी क्लास में कि बच्चा जब अपने आप पढ़ता है, जैसे मान के चलिए आजकल हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, यूट्यूब पे वीडियो चलाई और हम अपने अकॉर्डिंग वीडियो को स्किप कर रहे हैं, वीडियो को रोक रहे हैं, वीडियो को जूम करके देख रहे हैं, जो चाहे उस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, विशेषता क्या है, खोजकर्ता, खोजकर्ता सीधी सी बात है, हम क्या है जब अपने आप चीज़ों को करेंगे, अपने आप पढ़ेंगे तो हम खोज करेंगे भाई कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है जी। चिंतन में सूझबूझ का उपयोग करेंगे हम, ज़्यादा चीज़ें टेक्निक यूज़ करेंगे भाई, अच्छी से अच्छी चीज़ हम कैसे पढ़ें, हम खोजकर्ता बन जाएंगे उसमें। रचनात्मक चिंतन के विकास में सही होगी, ये क्रिएटिविटी लगाएंगे हम इसके अंदर, तो ये है इसके अंदर। रोचकता ज़्यादा बढ़ेगी, नए ज्ञान की खोज कर सकते हैं इसमें, विश्लेषण व संश्लेषण की क्षमता विकसित हो सकती है इसमें, तो ये चीज़ है इसमें। और उसके बाद में जैसे हम बात करें इसमें आगे ओपन लर्निंग की बात करें, प्रोजेक्ट वर्क, ओपन लर्निंग, विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में कार्य करना, स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करना, व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, मूल्य ज्ञानात्मक योग्यता का विकास करना, आत्मविश्वास की वृद्धि, ये चीज़ें इसमें शामिल है। ओपन लर्निंग यानी कि स्वतंत्र रूप से पढ़ना, अब जैसे ओपन लर्निंग आ गई है ना, जैसे इग्नू में है, स्वयं में है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, MOOC है ना, तो ओपन लर्निंग का मतलब ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जी चाहे तब एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है ओपन लर्निंग में जी। और इसमें जो खास, इसमें वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहे तो इनको पढ़ लेना। उसके बाद में हम बात करें ह्यूरिस्टिक मेथड है, यहाँ से क्वेश्चन आया हमारा ह्यूरिस्टिक शिक्षण, या इसमें स्वाभाविक शिक्षण में बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है, इस शिक्षण में अध्यापक की सहायता और परामर्श की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकालता है। इसके अंदर क्या है कि जो एक बच्चा, अब देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या था, ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो तीन चार बच्चे मिलके समस्या का समाधान निकाल रहे थे, लेकिन इसमें एक इंडिविजुअल बच्चा होता है, खुद अकेला बच्चा ही समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता है, और इसमें ना ही तो अध्यापक की सहायता लेता है उसका, ना ही कोई परामर्श लेता है, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं।
फिर है हमारे पास दो है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को हम आगमन विधि बोलते हैं और डिडक्टिव को हम निगमन विधि बोलते हैं। आगमन या इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, आगमन विधि में हम पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, उदाहरण के जरिए चीज़ें समझाते हैं, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण अच्छी तरह से समझ आते हैं और उसके बाद में हम सामान्य की ओर चलते हैं। जैसे हम मान के चले, जैसे देखिए, जब अध्यापक उदाहरण देता है तो बच्चा उसे जीवन से संबंधित करके अच्छे से सीख लेते हैं। जैसे मान के चलिए इंडक्टिव मेथड के अंदर हम बच्चे को बताएं, छोटा सा बच्चा है, मतलब 5-6 साल का बच्चा है, उसको हम कहें कि बच्चे तुम्हारे घर में 4 रोटी है, 4 रोटी बनाई तुम्हारी मम्मी ने, ठीक है, सुबह 4 रोटी बनाई, तुम्हारे पापा ने 2 रोटी खा ली, अब कितनी रोटी बच गई? तो वो कहेगा 2 बच गई, है ना। तो वो देखो उसको उदाहरण दे दिया, उसको वो चीज़ें बताई जो चीज़ें वो जानता है, तो इस तरह से उसको हमने धीरे धीरे प्लस माइनस करना सिखा दिया, ठीक है। अब निगमन विधि, निगमन विधि ये उससे उल्ट है, इसमें पहले बच्चे को नियम बताया जाता है और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्यूशन किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, निगमन विधि में जैसे मान के चलिए 7th 8th क्लास में हो गया बच्चा, तो उसमें क्या होगा, जैसे मैथ का फॉर्मूला दिखा बताया जाएगा, जो हमारा चैप्टर है शुरू होते ही हम क्या उसको फॉर्मूला बताएंगे, ए प्लस बी का स्केयर क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। तो इस तरह से हम उसको फॉर्मूला बताएंगे और फिर कहेंगे भाई ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व आउट करो। तो डिडक्टिव निगमन में देखो, निगमन जैसे नाम से पता चल रहा है, निगमन में नियम बताया जाता है, आगमन में उदाहरण बताया जाता है पहले, तो ये चीज, ये इनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अभी हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो तैयार हो आप, चलिए देखते हैं आपको कितना कुछ आता है या नहीं आता है। जी, मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम करेंगे भाई। अब देखिए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सी टीचिंग की सबसे सर्वोत्तम विधि है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन या क्वेश्चन आंसर मेथड। तो सबसे सर्वोत्तम विधि मानी गई वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मानी गई है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में हमने बात की थी ना, उसमें बच्चा बोर नहीं होता, उसमें सारी जो इंद्रियां हैं वो एकदम एक्टिव रहती है, आँख कान नाक सारी चीज़ें एक्टिव रहती है, बच्चे को इंटरेस्ट आता है उसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है उसमें, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसका आएगा। उसके बाद में यही क्वेश्चन, ये देखिए ये सितंबर 2013 में आया, यही क्वेश्चन हमारा 2014 में भी रिपीट हुआ है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की सहभागिता किस में होती है, वो होती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर, तो राइट आंसर इसका बी होगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, जैसे कई क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे आप ये देखिए, अगर आप ये नोट्स लेना चाहिए, क्वेश्चन पेपर और नोट्स लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपको देखिए फॉर स्टडी नोट्स वीडियोस पेपर डाउनलोड निमिज नेट ऐप, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें करवा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें करवा रहा हूँ। अब ये देखिए 2014 में फिर से आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये आया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, 2013 में आया है, ठीक है। अब ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 2013 में आया है बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है 2013 में, फिर दिसंबर 14 में आया है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, और उसके बाद में फिर ये आया है हमारा जून 2014 में भी आया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन हमारा बार बार किस तरह से रिपीट हो रहा है, और बाद में भी आया है, ये आप ये मत कहना कि शुरू शुरू में आ ली, ये 2020 में 22 में 23 में तब भी ये क्वेश्चन आया, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी देखिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी बेस्ट सुटेड, अब देखिए प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो इसका राइट आंसर है टू, प्रोजेक्ट मेथड है दोस्तों, ठीक है, परियोजना मेथड, ये इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, ये देखो ब्रेनस्ट्रॉमिंग एज ए मेथड कैन बी यूज फॉर, ब्रेनस्ट्रॉमिंग किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका आंसर है जनरेटिंग न्यू आइडिया इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए
रुचि के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न करने के लिए। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में यही है ना, बच्चों को कोई समस्या दे दी जाती है, उसमें एक नया समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है बच्चों के द्वारा, नए आइडिया जनरेट किए जाते हैं इसमें। उसके बाद में हम और चीज़ें और देखें और क्वेश्चन इसमें। ये देखिए, ये 2022 में आया है हमारा क्वेश्चन। ये देखिए, ये रहा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मैंने कहा था ना, देखो 2022 में भी ये आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसमें क्या है, डेमो क्या है, डेमो टीचर करके दिखाता है बच्चा, ये देखो ये एक चीज़ है, ये केमिकल है, इस केमिकल को इसमें डालेंगे तो ये देखो ये होगा ये होगा, तो डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर करके दिखाते हैं और बच्चे आराम से ऐसे देखते रहते हैं ना, तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और आप देख लीजिए एक क्वेश्चन किस तरह से बार बार एग्जाम में आ रहा है हमारा, 2013 में भी आया था, जून 2014 में, दिसंबर 2014 में और 2022 में क्वेश्चन हमारा आया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये 2022 में एक और आया है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पैराज बेस्ट डिस्क्राइब ब्लेंडेड लर्निंग। अच्छा ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, ये वो लर्निंग होती है जिसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लर्निंग करें, ठीक है। और तो उसको जैसे आजकल स्कूलों में क्या है, स्कूलों में हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, दोनों चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं। ये देखिए ये रहा ऑप्शन थ्री, इट कम्बाइन एलिमेंट ऑफ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन टूल फॉर लर्निंग और टीचिंग। इसमें हम फेस टू फेस लर्निंग भी करते हैं और ऑनलाइन लर्निंग भी करते हैं, तो इसको हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलेंगे जी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी नोट्स क्वेश्चन पेपर वीडियोस सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है, कंप्लीट कोर्स फॉर पेपर वन आपको वहाँ पे मिलेगा जी। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय। दोस्तों एनटीए यूजीस नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आ चुके वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर, इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7 से 8 हज़ार रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों, आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।